माय नेम इज अंकुश कुमार। आप देख रहे हैं R1S के रोज यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल R1S के रोज यूट्यूब चैनल। तिबेरी का विशेषता आप लोग जानते होंगे कि देवी और दानों के बीच सागर मंथन हुआ था। इसे किदानों के बीच चुरा कर ले जा रहा था, उसी पृथ्वी पर गिरा संगम नगरी नगरी क्रिया हुआ। इसी धरती संगम त्रिवेणी पे गिरा जाके, जहाँ पे इस त्रिवेणी को त्रिवेणी सरस्वती घाट की उत्पत्ति हुआ। कहा जाता है कि प्राचीन समय में ये अक्षय वट एक ऋषि ने ये ना भगवान नारायण के को अपनी शक्ति दिखाने का मौका दिया, और इसी शक्ति के स्नेह भगवान नारायण ने अपनी शक्ति को दिखाते हुए इस धरती को पूरा जलमग्न कर दिया। ये पूरा त्रिवेणी पूरा प्रयागराज को जलमग्न कर दिया। इसी से उसके बाद से तब बहुत दिन बाद इसे केवल एक वृक्ष बट अक्षय वट की केवल शाखाएं दिख रही थी, और इसी तभी इस वृक्ष की उत्पत्ति, इसी जब ये सूख गया धरती पे पानी सारा सूख गया, तब ये इस वृक्ष की पूजा होने लगी, जिसे अक्षय वट के नाम से जाना जाता है। अक्षय वट अपने प्राचीन कथाओं में सबसे प्राचीनतम में आता है, और ये मंदिर मंदिर के अंदर राजा अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था, और इसी के समीप है ये अक्षय वट जो प्राचीन समय में हुआ करता था, जो आज भारतीय सेना के पास मौजूद है, और इसी इसी को ही तीर्थनगरी प्रयागराज के नाम से जाना जाने लगा। त्रिवेणी इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्ञान गंगा और यमुना के बीच में ज्ञान का प्रभाव होता है। लाखों लाखों विद्यार्थी यहाँ आके पढ़ाई करते हैं, और ऋषि मुनि भी इसी गंगा नदी के तट पर शिक्षा और दीक्षा लिया करते थे, और यहाँ आने के बाद काफ़ी मन को शांति मिलती है। और बड़े हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे बहुत ही प्राचीन है, तब मंदिरों में से एक है, जिसे आज भी लोग पूजा करते हैं। और ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। इसी के बगल में अकबर के संरक्षण में ये मंदिर था। प्राचीन समय में अकबर महाराजा का ये किला हुआ करता था, आज ये भारतीय नौसेना के पास है के देख रेख में रखा गया है, जिसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है। ऐसा इस त्रिवेणी के कथा को आप जाने और इस जगह पे जरूर आए। इतना इस जगह पे जितना अच्छा लगेगा आपको आकर, उतना किसी भी जगह पे जाने में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे तरह तरह के मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जैसे बड़े हनुमान जी का मंदिर, जो हनुमान जी लेटे हुए प्रतीत होते हैं, और इस हनुमान मंदिर हनुमान के जब बरसात में होता है तो ये पूरे डूब जाते हैं, और जैसे ही माघ आता है ये पानी पूरा ही सूख जाता है। इसी पानी के सूख जाने की प्रक्रिया ने भगवान नारायण जी ने यही प्रक्रिया किया था, और ये देखिए वाराणसी बाद में मनुष्यों के लिए, ये तीर्थस्थली के लिए वाराणसी से प्रयागराज
के लिए ये रोड है आगे के लिए जो गंगा नदी के तट पे बना हुआ है। हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और R1S के यूट्यूब चैनल को आप तो देखते जरूर है भाई साहब, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे नहीं आप ही का दोष होगा। अगर सड़क पे दो एक लेडीज और जेंट्स चलते रहें तो आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सामने आ जाए तो सबसे पहले आपको ब्रेक ही मारना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या करना पड़ेगा। इसे और हम आ गए हैं त्रिवेणी संगम प्रयागराज, जिसे संगम नगरी भी कहते हैं आज के समय में। और ये देखिए यहीं पर शिक्षा लेते हुए पुष्पक विमान का निर्माण हुआ था इसी स्थल पे, और शिक्षा दीक्षा के लिए यहाँ पे लाखों और क्या बोलते हैं आदि कवि शंकराचार्य भी इसी तट पर शिक्षा लिए थे। ये इसके बाद अकबर का किला है, जो अकबर के किले के साइड में हम आपको ले चलते हैं। देखिए अभी हम इस घाट पे हैं और इस घाट से हम आगे की तरफ चल रहे हैं। काफी सुंदर ये जगह है जो नौसेना जल सेना के लिए इसे निगरानी में रखा जाता है और बहुत सारे बैरिंग करके रखा हुआ है। आप देखिए एंजॉय करिए, यहाँ से लाखों श्रद्धालु यूपी और बिहार के लोग यहाँ पे यूपी बिहार बंगाल राजस्थान और दूर दूर से घूमने के लिए श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और माघ मेले में स्नान करके शाही स्नान में महाकुंभ पर अपने पाप को इसी जल से धुलते हैं। और कहा जाता है कि यह इस पानी के इस जल के इसमें स्नान करने मात्र से ही सारे पाप रोग दोष धुल जाते हैं। अंधेरा हो चला था इसलिए हम आगे की तरफ बढ़े और इस किले के बगल से हम अकबर के स्नान करने वाले जगह द्वार और पूजा करने वाले उस जगह को हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पे अकबर और बीरबल यहाँ पे आकर पूजा अर्चन किया करते थे। और अकबर के इस गुफा के पीछे वाले मार्ग से एक सीढ़ी बना हुआ है, जिस सीढ़ी पर हम आपको ले चल रहे हैं। पीछे पीछे आइए जी, चलते रहिए। देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे कबूतर बैठा हुआ है ऊपर की तरफ। इस जगह पे हम काफी फोटो लेना चाहे लेकिन इस जगह पे फोटो वगैरह नहीं साफ आ पा रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कैमरे के ऊपर कुछ बैठ जाए, धुंधला आ जाए, इसलिए हम आपको पूरा व्यू नहीं दिखा पाए। लेकिन चलिए आइए आपको हम अकबर के ये गेट दिखाएं, जहाँ पे स्नान करने के लिए इसी यमुना गंगा के तट पे आके स्नान किया करता था। चलो जी जल्दी लेट हो रहा है।
हमारी मैडम की जुबानी ये सुने, देखिए कितना सुंदर अक्षरों में आपको समझाया। ये देखिए नाव कितनी खूबसूरत लग रही है। शाम का समय था इसलिए हम आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सके, और आप ही के डिमांड पे आपका प्यार रहा तो हम दोबारा इस जगह को हम आपको दिखाएंगे। पार्ट टू में दिखाने की कोशिश करेंगे, और तब से पार्ट वन आप देखते रहिए। चलिए जी जल्दी, लेट हो रहा है। ठीक है, हम चल रहे हैं। चलें, चलिए जल्दी जल्दी चलो, लेट हो रहा है। जल्दी चल रहे तो शाम के 6:30 है। अंधेरा होने वाला है, हम सब चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? पीछे के रास्ते आप हमको दिखाएंगे। अकबर के किला का गेट यहाँ पहले आसान का स्नान करता था कबर। तो चलिए हम ले चल रहे हैं थोड़ा। ये देखिए यहाँ पे यमुना पुल जो वर्तमान समय में बना हुआ है, भारतीय इंजीनियरिंग का एक नमूना है। ये तो पाए पर टिका हुआ है। गंगा का पानी कितना खूब मृदु लहस ठंडा, ये देखते वरना। यार इसे तो गाना सुनने की पड़ी है। ये क्या पानी है शीतल जल। आपको इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। कमेंट में जय गंगे बोलिए। जय गंगे, जय बजरंग बली, जय ओम नारायण नमः। ये देखिए अकबर का किला का गेट, यहाँ से देखिए ये सीढ़ी के रास्ते आया करता था अकबर। ये देखिए अकबर का किला का गेट, जहाँ पे अकबर आके स्नान करता था नीचे। ये देखिए यही तो जगह है। और ये देखिए इस जगह पर बीरबल पूजा किया करते थे। यहीं पर बीरबल पूजा किया करते थे और यहाँ पे आप जो कुछ मांगेंगे यहाँ पूरा हो जाएगा। और सूरज ढलने वाला है, हम पूरे वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इस जगह पे आते हुए हमारे सारे पाप धुल गए। इस मंदिर को देखते ही ऐसे लगा वाकई में भगवान के दर्शन हो गया। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, प्यार दें, 1000 सब्सक्राइब